नमस्कार मित्रों, हाइपोथायरॉयडिज्म एक बहुत तेजी से फैलता हुआ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स के लेवल में धीरे धीरे कमी होती है। थकान लगना, शरीर में आलस रहना, सर्दी को कम सहन कर पाना, वजन का निरंतर बढ़ते चले जाना, कब्ज होना, रूखी त्वचा तथा आवाज में परिवर्तन इसके प्रमुख लक्षण हैं। हाइपोथायराइड पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक पाया जाता है। इन लक्षणों के होने पर हमारे ब्लड से थायराइड हार्मोन के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। थायराइड हार्मोन में T3, T4 तथा पिट्यूटरी के हार्मोन TSH का लेबोरेटरी टेस्ट कराकर हम सही डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसके बाद सही उपचार कर सकते हैं। हाइपोथायराइड के मुख्य कारण शारीरिक श्रम की कमी तथा कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं, जिसमें कि ऑर्गेनोक्लोरीन जो कि एंटी थायराइड की तरह काम करता है। यह फिश, एग, मीट तथा मार्केट में मिलने वाले मिल्क प्रोडक्ट्स में हो सकता है। हमारे रोजमर्रा के कई साधनों में ट्राइक्लोजान नामक एक केमिकल पाया जाता है। यह एक एंटीबैक्टीरियल है, जैसे कि हमारा टूथपेस्ट, प्लास्टिक वेसल्स, शेविंग क्रीम एवं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, माउथ वॉश, इनमें ये ट्राइक्लोजान पाया जा सकता है और ये आसानी से हमारे शरीर में स्किन के द्वारा ही एब्जॉर्ब हो जाता है। यह हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स के लेवल को कम करता है। आज के समय का वायु प्रदूषण तो गर्भ में पल रहे बच्चे के थायराइड फंक्शन को भी प्रभावित करता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को ट्रैफिक पॉल्यूशन से जहां तक हो सके दूर रखें। कुछ सब्जियां जैसे कैबेज, ब्रोकली, इनमें एक गोइटरोजेनिक फैक्टर पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में आयोडीन का उपयोग नहीं होने देता है। कुछ पदार्थ जैसे सोयाबीन भी थायराइड हार्मोन के रिलीज को स्लो करते हैं। इनको हम गोइटरोजेनिक फैक्टर बोलते हैं। इसलिए जिन लोगों को हाइपोथायराइड हो चुका है या है, ऐसे लोगों को इन सब्जियों और पदार्थों की मात्रा को कम करके ही लेना चाहिए। साथ ही साथ जिन भोज्य पदार्थों में सेलिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है उसका उपयोग करें, और अधिकांशतः आयोडाइज्ड सॉल्ट का ही उपयोग करें। प्राकृतिक चिकित्सा में थ्रॉट पैक, थायराइड एरिया के लिए मसाज, एक्यूप्रेशर पॉइंट और सनबाथ बहुत उपयोगी है। योग में सर्वांगासन, भुजंगासन, सुप्त वज्रासन, उष्ट्रासन बहुत उपयोगी आसन है। साथ ही यौगिक क्रियाज में वमन और कपालभाति एवं प्राणायाम में उज्जायी, अनुलोम विलोम तथा भ्रामरी प्राणायाम हाइपोथायरॉयड के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस प्रकार मित्रों, नियमित रूप से उचित आहार, प्रसन्न मन, उचित व्यायाम, योगासन, प्राणायाम एवं क्रियाओं के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करके आप अपने थायराइड के फंक्शंस को रीस्टोर कर सकते हैं, हाइपोथायराइड की परेशानी को ठीक कर सकते हैं। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमस्कार।